भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को यह फैसला भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया है। जेपी नड्डा को जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्हें पूर्णकाल का अध्यक्ष बनाया गया। नड्डा का कार्यकाल इसी 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। यानी भाजपा अब अगला लोकसभा चुनाव भी जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही लड़ने जा रही है। चुनावी राजनीति को लेकर भाजपा के जमीनी होमवर्क के बारे में जितना सुना सुनाया जाता है, अंदरखाने पार्टी इससे भी कहीं ज्यादा गहराई से काम करती है। दिल्ली में भाजपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन और 2023-24 में होने वाले चुनावों को लेकर सबसे अहम मंथन बूथ मैनेजमेंट पर हुआ। बताया गया है कि मिशन 2024 की तैयारी में जुटी सत्तारूढ़ भाजपा ने पूरे देश के अंदर 72,000 कमजोर बूथ चिन्हित किए हैं। और अहम बात यह है कि ऐसे बूथों पर पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए भगवा सेना को जी जान से जुटा भी दिया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फोकस में इसी साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव रहे हैं। इसके अलावा भाजपा की प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव में नेताओं को दी जाने वाली जिम्मेदारियों पर भी चर्चा होने की खबर है। कुछ नेताओं को चुनावी राज्यों में बड़ा दायित्व दिए जाने की संभावना है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बड़ा रोड शो किया। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम द्वारा किए गए प्रचार के लिए जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम द्वारा किए गए प्रचार से पार्टी नेताओं को सबक लेने को कहा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यूपी अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र सिंह चौधरी की राज्य में सांगठनिक टीम बनाने की तैयारी है। पार्टी ने पूरी तरह चुनावों में जीत के लिए कमर कस ली है। यूपी संगठन में अभी कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो मंत्री होने के साथ सांगठनिक पदाधिकारी का काम भी देख रहे हैं। पार्टी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए मंत्री पद संभाल रहे नेताओं को संगठन के दायित्व से मुक्त कर नए चेहरों को मौका दिया जाना है। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की नई टीम बनने के बाद हाईकमान जिला और महानगर संगठनों पर फोकस करेगा, जिनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, और सभी जगहों पर अब नई सांगठनिक टीमें बनाई जानी है। फिलहाल भाजपा पूरी तरह से चुनावी मोड़ पर काम कर रही है और भाजपा की जोरदार चुनावी तैयारी दूसरी पार्टियों के लिए सबक हो सकती है।